अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे। और अभी मैं सोई हुई हूँ, मतलब सुबह मैं उठी थी 7 बजे, दोनों को तैयार वार करके टिफिन विपिन पैक करके देके स्कूल छोड़ के आई। उसके बाद झाड़ू पोछा बर्तन चाय बनाया, उसके पापा को दिया, उसके मामू के लिए नाश्ता बनाया, ये सब खा पी के चले गए। उसके बाद मैं सो गई थी। अभी टाइम हो रहा है 10 या 11 बजे सोई थी, अभी 12 बजे, 11 बजे सोई थी। हाँ अभी 12 बजे, 1 घंटे बाद उठी और उसके मामा वो चले गए जिस काम पे वो आया था। अच्छा लग गया, अभी जस्ट ठीक आया हूँ, चला गया। और मैं भी जा रही हूँ इन सबको सही करके, सही किया था मैंने, सोई थी ना तो गड़बड़ हो गया था। तो अब जा रही हूँ मैं अपने ब्रश व्रश करने, मुँह धोने, खाने में कुछ बनाना नहीं है। हाँ एक चावल की रोटी बनाऊंगी अपने लिए, क्योंकि रात का जो कद्दू गोश्त बनाया था वो है, और उसके पापा के लिए बस थोड़ा सा चावल बनाना है। दोनों का ठीक नहीं खाते हैं, नहीं खाते दोनों तो कुछ भी खा लेंगे। मैं अपने दूध भी उबाल के यहीं पर रह गया था, मैं सो गई थी, बिल्ली आके पी जाती तो। उस दिन मैंने यहाँ पे अंडा का ट्रे रखा था, 3 अंडा फोड़ के बिल्ली पी गए। बस जब मैं बाथरूम जाने के लिए उठी थी सुबह 5 या 5:30 बजे, लगता लाइट भागा हुआ, तो फिर देखा मैंने 1 अंडा बचा हुआ था, तो 1 अंडा मैंने निकाल के रख दिया था और आ गया लाइट, दिख नहीं रहा था। 3 अंडा बिल्ली पी गई, अगर नहीं आती तो ये भी पी जाता। तो अभी बेचारी ब्रश करके अपने लिए बनाऊंगी ब्रेड ऑमलेट और साथ साथ खाना भी चढ़ा दूंगी। खाना भी नहीं बनाया था, वैसे ही चला गया नाश्ता में। मैंने पराठा आलू सोयाबीन की सब्जी थी, चाय था, रस था, वो सब खा लिया था। उसके बाद चला गया, धूप धूप कितनी अच्छी निकली हुई। बच्चे सारे नीचे खेल रहे, बाकी सारे बच्चे सब फुटबॉल गेंद खेल रहे, मेरे तो गए स्कूल दोनों। नाश्ते का थोड़ा सा बर्तन है वो भी धो लेती हूँ। 1 बज गए सारे काम करते करते, उधर गर्म करने के लिए सब्जी चढ़ा दिया, इधर चावल, इधर अंडा डाल के ब्रेड खा रही बच्चा है। अभी जा रही खाने के लिए, खाया नहीं है, चाय के ऊपर तो लगता है घी है, देखने में लग रहा है येलो येलो दिख रहा है चाय। बाहर ही मैंने मंजिल आया, वहाँ पर धूप थी इसलिए इधर नीचे। यही खाने से खाना हो जाएगा मेरा, तो रोटी किस टाइम बनाऊंगी मैं। चाय तो पी लिया था, खा लिया था ब्रेड, अभी उसके पापा ने भी खाना खा लिया। अभी वैसे ही सब चीज़ मैंने नहीं खाया खाना, अभी मैं जा रही हूँ क्या बोलते हैं मार्केट जा रही हूँ, दोनों का बुक लेना है, कॉपी ख़त्म हो गई रिहान अक्सर। फिर से मैंने कपड़ा पहन लिया, अभी जा रही हूँ। आ गई सामान लेके, उसके पापा नीचे से चले गए काम करने, मैं ऊपर आ गई। बस यही छोटा मोटा सामान था लाने के लिए, ये फ्रिज का पानी निकालने के लिए और ये रेहान के लिए, बहुत दिन से बोल रहा था मुझे अंदर पैंट पहनना रेहान के लिए। और दोनों की तो कॉपी ही दोस्तों के आ गई, अगर आज लेके नहीं आती तो मुझे बहुत परेशान करता है कॉपी के लिए, उनके पोछा मारने के लिए। और ये उसके पापा को नमक खाने की आदत है ना, छिटछिट के खाने के लिए, ये बर्तन धोने के लिए। ये बाथरूम साफ करने के लिए, और यहाँ पे पानी जो जमा हो जाता है ना, इसलिए छोटा सा पोछा लेके आई, वहाँ पे जमा हो जाता बर्तन धोने के बाद। और ये ऑयल लगाने के लिए पराठे में बस, और एक ये बाल्टी छोटी सी, बस यही सब था, थोड़ा सा सामान। जो भूख लग रही है जा रही हूँ चावल की रोटी बनाने और उसके बाद खाने के लिए। अभी टाइम हुआ है 3 बजे, अक्सर यहाँ को 3:30 4 बजे लाने जाना। रोटी मैंने बना लिया है, एक अक्सा के लिए एक मैंने अपने लिए, अक्सा शौक से खा लेती है,
वो लड़का रेहान नहीं खाता, न रेहान न उसके पापा, दोनों में से कोई नहीं खाते। मैं और अक्सा खा लेते हैं। तो अब टाइम हो ही गया बनाते बनाते, 3:30 हो गया, बस 15 मिनट बाद लाने के लिए जाऊँगी तो एक साथ ही खा लूँगी। अभी आ गए दोनों को लेके। क्या बोला मैंने? पहले कपड़ा चेंज कर लो, टिफिन निकाल के दे दो मुझे, उसके बाद कॉपी रख लेना, तुम ही दोनों के लिए लाया है ना, और कोई है तुम्हारे दोनों के अलावा घर में पढ़ने वाला? कोई नहीं, और भी बहुत कुछ लाया मैंने। क्या? छोटा सा पोछा लाई हूँ, हाँ बाथरूम साफ करने का लाई हूँ, पापा को जो वो नमक खाने की आदत है नमक खींचने वाला लेके आई हूँ, अब ये देख ले साहब। मैं खाना खाने जा रही, भूख लगी तो सब कपड़ा चेंज करके आ जाए। हाँ हाँ वो खत्म खराब हो गया था ना, इसलिए लेके मैं जा रही खाने। हाँ वो फ्रिज का पानी निकालने के लिए, सब्जी गर्म करके मैं जा रही खाने। जिसको खाना है आ जाओ, थोड़ी सी खा लो रेहान तुम भी। अच्छा लग रहा ना? बहुत अच्छा लग रहा है, चट्टी देखो उठा के देखो। अच्छा लग रहा है छोटू सा लग रहा है, आ जा खा लो। चाय के साथ कुछ खाना भी है? किसको दो, वो चीज लेगा बाहर से, स्नीकर खा लिया। चाय पीना हो गया, अब जा रही खाना बनाने। बैगन टमाटर की भरता और रोटी बनाऊंगी, मतलब बैगन का भरता रोटी। एक टमाटर भी मैंने भून लिया, अच्छे से भुनाया भी नहीं, थोड़ा सा ही बनाया। और दोनों अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, मैं बाहर ही बैठी हूँ। अरे टेस्टी टेस्टी बैगन का भरता रोटी खाओ, अब सिंपल सिंपल खाना खा। सुबह पालक वाला आएगा ना तो ले लेंगे, पालक बनाएंगे। नमक ठीक है ना?